आपका गुड मॉर्निंग गाइस। देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत मौसम है। बच्चे मेरा रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में, कुछ अच्छा से डिश हेल्दी बना रही हूँ जो कि टेस्टी और यम्मी, तो बच्चे को मेरे पसंद है। बोले मम्मी मुझे भेज रोल चाहिए, तो मैं भेज रोल बना रही हूँ गाइस। ये सारा भेजी मैं डाल रही हूँ, पत्ता गोभी और ये गाजर बीट शिमला मिर्च सभी मैं इसमें डाली हूँ, और इसमें हम खूब सारा हम डालेंगे चिली सॉस डाल दी, पहले भी डाली अभी थोड़ा कम पड़ गया। और ये हमारा रहा खूब सारा टोमेटो जो कि मैं घर में खुद बनाई हूँ, ये दे दिया गाइस, और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब आटा गूंद करके हम फटाफट इसको बना लेते हैं, तो बहुत ही हेल्दी डिश है गाइस। बच्चों को आप भी बना करके दीजिए, बहुत ही जल्दी बनता है। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल में जाइए अर्चना ब्लॉगिंग यूट्यूब में गाइस। हे गाइस गुड आफ्टरनून, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो मैं भी खुश हूँ, मेरा भी लल्ला यहाँ पर लेटा हुआ एग्जाम देने के बाद, ये अभी थोड़ा सांस ले रहा है क्योंकि ट्यूशन पढ़ रहा था और बोला कि मम्मी बहुत बहुत अच्छा एग्जाम गया, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है गाइस कि ये बंदा कुछ लिखा और पूरा पूरा लिख करके आया है। तो सो गाइस डेली के जैसा आज भी हम आपको डायरेक्ट किचन में लेके चलेंगे, और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि वो है बच्चों का पसंद, बूढ़ों का पसंद, सभी का पसंद। ये ठंडा का लास्ट सीजन जा रहा है गाइस, तो हमने अभी नहीं बनाया ये डिश, तो जो कि मेहनत भी है काफ़ी, तो चलिए हम वीडियो में आपको शेयर करते हैं जो कि वो है गाजर का हलवा। तो चलिए हम बनाते हैं, बहुत ही मेहनत भी लगता है, बहुत ही टेस्ट भी लगता है, तो सीधे ही आपको लेके चलते हैं गाइस किचन। तो चलिए हम चलते हैं किचन। सुबह सुबह हम बच्चों को टिफिन बनाते हैं, तो देखिए गाइस हम टिफिन में हम क्या बना रहे हैं। मैं भेज रोल बना रही हूँ गाइस, इसमें हम सारे भेजी हम डाल दिए हैं, बच्चों को फरमाइशी है, और ये शिमला मिर्च हुआ, गाजर हुआ, बीट हुआ, सारा मैं डाल दी हूँ कुछ, और फिर इसमें हम टोमेटो सॉस भी डालेंगे। पहले चिली फ्लेक्स डाल दें, नहीं चिली सॉस है गाइस ये, और ये हमारा टोमेटो सॉस, ये जाएगा खूब सारा, यही का फ्लेवर आएगा। इससे अच्छे से हम चला ले रहे गाइस। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करेंगे, बताएंगे, इसको ज़्यादा गहराई में जाने के लिए यूट्यूब में जाना पड़ेगा गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ब्लॉगिंग अर्चना, अर्चना ब्लॉगिंग। तो गाइस एम्पावर अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। देख सकते हैं कि ये गाजर है, तो मैं आज गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ गाइस। तो इस तरह से हम इसे छील लेते हैं, सभी गाजर को छीलने से ये होता है कि धूल मिट्टी जितना भी हो चिपका का होता है तो वो सब निकल जाता है। तो अच्छे से हम देखिए जैसे कि दो चार हम छील लिए हैं, सभी गाजर को हम अच्छे से छील लेते हैं। ये गाइस पूरा पूरा वीडियो देखेंगे, तो दो चार अभी हम छीले हैं गाइस, पूरा हम छीलते हैं गाइस। इधर दूध भी हमारा गर्म हो रहा है, देख सकते हैं, ये देखिए कम बेसी करके इसको हमको अच्छे से पूरी तरह से खौला करके इसको पका लेना है। बहुत लोग होते हैं कि एक बॉयल आता है उसको बंद कर देते, ऐसे नहीं करना चाहिए गाइस, इसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से इसको पकने देना चाहिए, तब इसका जाके स्वाद आता है। और मलाई भी खूब अच्छे से पकता है, बनता है, जब दूध पकता है तो मलाई भी अच्छे से मतलब मेरा कहना है कि बैठता है। तो देख सकते गाइस ये खोल चुका हमारा दूध, तो अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं, वीडियो हम बना रहे हैं। एम्पावर अर्चना कुकिंग में नया रेसिपी लेकर के मैं आ गई हूँ, जो कि आज का रेसिपी है गाजर का हलवा। तो देखिए सारे गाजर को मैं अच्छे से धो करके छील ली हूँ इसको, ताकि इसका जो धूल मट्टी हो जो अच्छे से मतलब कि धुला जाने से खाने में कचकच नहीं करेगा। तो चलिए गाइस हम इसको छील लेते हैं, मतलब इसको कद्दूकस करना है, घिसना है, तो असली मेहनत तो इसी में गाइस हाथों का सफाई करना है, इस यंत्र का मदद लेना होगा। तो चलिए हम इसके द्वारा हम कद्दूकस करते हैं। ऐसे ये साफ बर्तन हम ले लिए और इसको भी हम धो लिए, और इसको देखिए इस तरह से छील रहे हैं, जो कि हम छील के जो रखे इस तरह से इसको थोड़ा फूस करना पड़ेगा मेहनत, जो कि सभी जानते हैं गाइस। तो इसे हमको कद्दूकस कर लेना है, इस तरह से हमें छील करके इस तरह से जो निकलेगा इस दाना से हमें बनाना है गाजर का हलवा। तो चलिए गाइस सबको हम घिस लेते हैं।
तो सो गाइस देखिए इतना हमारा अभी बाकी है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो इस तरह से हम छील रहे हैं, फटाफट ये छिला जाएगा हम सोचे थे, लेकिन कि बहुत ही दिक्कत वाला डिफिकल्ट है गाइस, ये छीलना तो बहुत ही मतलब कि कठिन काम है। कद्दूकस इसी को बोलते हैं गाइस, इसको कद्दूकस भी बोलते हैं और इसको छीलना भी बोलते हैं, घिसना। तो देख सकते हैं ये हमारा नया कद्दूकस है जो कि इस तरह से छिला रहा, हाथ दर्द होने लगा गाइस, बहुत ही मतलब कि दिक्कत होता है। तो देखिए इतना हमारा छिला गया है, कद्दूकस हो गया सॉरी। इस तरह से हमारा जो देखिए पूरा फ्रेश मतलब निकला हुआ, ये देखिए अच्छा है ना, दाना दाना हुआ है, खीर के चावल के तरह एकदम फ्रेश। तो सबको इस तरह से हम छील लेते हैं गाइस, छीलने में ही जो बहुत मेहनत लग रहा है, और बाकी नहीं तो हम फटाफट हम कर ही लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से करके अभी आधा भी नहीं छिलाया गाइस, ताकत लगता है हाथ फिसल जाता है। तो इस तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कर। का हलवा बनाने जा रहे हैं जो कि आज मेरा ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हेल्दी बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी को पसंद है। तो ये हम एज अ गैजेट है गाइस, इससे हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं जो कि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। देखिए गाइस होने समय कितना, तो ये इतना छिला गया है मतलब कद्दूकस हो चुका है, और भी मैं फटाफट कद्दूकस कर ले रही हूँ, बहुत ही ताकत लगता है गाइस, हाथों का भी मेहनत होता है और ये कसरत भी होता है। तो इस तरह से हमें सभी को छील लेना है गाइस, देखिए किस तरह से, इस तरह से देखिए इतना हमने छील लिया है, छीलना नहीं कद्दूकस करना। तो इस तरह से हम सारे को कद्दूकस कर लेंगे जो अभी इतना बचा हुआ है, और उसके बाद हम हलवा बनाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस प्लीज। गाजर हमारा कद्दूकस हो गया, मैंने इसको घिस लिया, अब यहीं पर मैं घी के ढक्कन भी खोल लिए और ये कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, कढ़ाई हम चढ़ा दिए धोकर के अच्छी तरह से ताकि सब्जी का झाल ना चले। सब्जी वाला कढ़ाई में लगाएंगे गाइस तो उसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है ये झाल पर, तो इसको अच्छे से धोएं। तो हम इसमें घी डाल दे रहे गाइस, देखते हैं इसमें देसी घी डालिए, मेरे पास देसी घी जो है हम वही डाल रहे हैं। तो इसमें हम अच्छे से ऐड कर दिए के लिए, प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हम कर रहे हैं गाइस तैयारियां हो गया। तो कढ़ाई में घी थोड़ा डाल दिए और हम डाल दे रहे हैं, तो ये देख सकते हैं कि मैं घी इसमें डाल दी हूँ, घी कड़क रहा है। और इसी यहीं पर आप इसमें गाजर डाल दीजिए जो कद्दूकस किया हुआ है, तो ये हम गाजर हम ऐड करेंगे इसमें। तो इस तरह से सभी गाजर को हमें ऐड कर देना है गाइस, इस तरह से अच्छे से हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, कैसा लगा हमारा वीडियो जो कमेंट भी करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको ये गाजर का हलवा कैसा लगा टेस्ट। तो गाइस इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ये जो हलवा हम गाइस बना रहे हैं बहुत ही जल्दी बनता है, और ये सीजन भी है, इस सीजन में ठंडा अब ख़त्म होने जा रहा है, मार्केट में गाजर अभी भी बहुत मिल रहा है। तो जो जो गाइस नहीं बनाए हैं बना करके खा लीजिए, बहुत ही इसमें प्रोटीन है, पौष्टिक आहार है बच्चों के लिए, तो खास करके दिमाग बढ़ाता है गाइस, बच्चे बूढ़े सभी का ये बहुत ही फेवरेट डिश है। तो चलिए ये जो हमने घी डाला है गाइस, तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं हल्का सा इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसका जो हरापन जो मतलब क्या बोलते हैं हरियाणी जो, इसको ख़त्म करना है बस। और ये खुशबू देखिए कितना खूबसूरत सोना सोना आ रहा है घी का, तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा गाइस, मैं बना रही हूँ तो इस चीज़ को हम फील कर रहे हैं। तो गाइस आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड का बटन भी दबा देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, आप पूरे पूरे वीडियो देखेंगे ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा जब कि लाइक का बटन दबाएंगे। तो गाइस तो चलिए इसी तरह वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे। तो ये हमारा ये वन स्टेप ये हो रहा है, अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे गाइस, और फिर या दूध, पहले दूध भी डाल सकते हैं पहले चीनी भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें पहले चीनी ऐड कर लेते हैं, जितना हमें मीठा चाहिए, तो चीनी जो है हमारा कैमरलाइज हो जाएगा, तो उसका खुशबू और भी मतलब बरकरार हो जाएगा टेस्ट भी, तो क्योंकि वो जो है सोना सोना लगता है गाइस। हम चीनी निकाल लिए, जितना हमको मीठा देना है अपना अनुसार मीठा अपना हिसाब से, उसके रिकॉर्डिंग आप मीठा दें डालें। तो ये हम मीठा हम ये जैसे ही हमारा ये 1 केजी गाजर है,
तो एक केजी में हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मीठा, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते तो 250 दीजिए, हम ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते तो इसमें हमको 150 ग्राम देंगे गाइस। तो करीब ये हमको लगता है ये हम निकाल लिए हैं, तो अब हम मीठा हम देंगे, तो इसमें हम ऐड कर रहे गाइस मीठा। तो हम इसमें चीनियाँ हम डाल देते गाइस। इसमें हलवा में जाने के लिए गाइस 3-4 हम इलायची को ये चौकली और बेलना के सहायता से हम थकुच लेते हैं, मतलब कि इसको थोड़ा सा हम पीस ले रहे हैं और इसको हम इस हलवा में डालेंगे। ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं, और ये हम इसको अच्छे से चला लेते हैं कि जो कुछ चीनी हम छोड़ दिए थे कमरलाइज होने के लिए। तो ये देखिए बहुत हद तक ये गल चुका अपने आप के लिए, पानी छोड़ देता है। तो ये अब अच्छे से हम चला लेते हैं, 2 मिनट के लिए छोड़ी थी गाइस, उतना देर में हम इलायची को कूच लिए। तो इलायची देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए मीठा, लेकिन ध्यान रखें अपना अनुसार ही दें। तो गाइस हम मीठा मीडियम ही दिए हैं, ज़्यादा मीठा हमें नहीं पसंद है क्योंकि गाजर का अपना नेचुरल जो है ये मीठा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिश बनने वाला है कि घर घर की पसंद, बच्चों की पसंद, फेवरेट डिश। तो चलिए गाइस मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अवश्य मेरे चैनल को। कैसा लगा वीडियो कमेंट करेंगे, कहाँ से बोल रहे हैं। तो हमने ये बना लिया इसको, अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे गाइस। तो देख सकते कितना था गाजर और कितना हो चुका है, तो चलिए हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। सो गाइस देखिए ये जो हमारा चीनी जो है मैंने मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा देखिए रस हो गया है। चीनी तो मेल्ट होता ही है, तो इसका खुशबू इतना खूबसूरत आ रहा है गाइस, लाजवाब आ रहा है। स्मेल बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं निकल के कि मैं खा लूं, क्योंकि हमारे घर में गाजर सभी को हलवा पसंद है। बहुत दिनों के बाद मैं बनाई, मुझे टाइम नहीं मिलता था स्कूल से बच्चों से, तो इसमें बहुत थोड़ा मेहनत है घिसने का, तो हर तरह से बनता गया, तो मैं इसे घिस के ही बनाती हूँ। तो चलिए गाइस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब ये देखिए हो चुका है, हमारा गैस तेज़ है, गैस का फ्लेम तेज है, और ये हम जो दूध है जो हम पहले से बॉईल करके रखे हैं, तब इसमें हम दूध ऐड करेंगे गैस। धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे क्योंकि दूध फटने का चांसेस रहता है, तो अभी नहीं फटेगा ये। तो देखिए दूध कितना गाढ़ा है, देखिए देख सकते हैं आप, जैसे देखिए दूध इसमें चढ़ा, तो ये देखिए इसमें डब्बों से दूध दिख रहा है कि हाँ इसमें दूध है। अगर पानी वाला दूध रहेगा तो आपको पानी पानी जैसे रहेगा। तो ये हमारा ओरिजिनल दूध है, हम खुद जाते लाने के लिए गाइस। तो देखिए ये हम अच्छे से चला ले रहे, देखिए कैसे कलर देखिए इसका चेंज हो रहा है। तो ये हमारी पीली वाली गाजर था, लाल वाला भी गाजर था, लाल वाला से अच्छा हेल्दी पीली वाली गाजर गाइस। तो इस तरह से हम दूध इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें जितना दूध डालेंगे, कम भी डाल सकते ज़्यादा भी, तो 1 किलो गाजर है तो इसमें कम से कम 1 किलो दूध तो चाहिए ही चाहिए, तो बहुत लोग कम देते हैं। तो हम ये दूध ऐड कर, 2 केजी दूध था तो हम 1 केजी करीब दूध डाल दिए हैं और इतना हम रख दिए हैं, सभी डाल देते लेकिन मुझे दही भी जमाना है तो इसलिए हम इतना छोड़ दे रहे हैं। मैंने अंदाज से हम नाप के कलछुल से 1 केजी हम इसमें दूध डाल दिए। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला ले, कितना खूबसूरत देखेगा इसे, ऐसा लग रहा है कि केसर दिया हुआ है, कोई इसमें कलर नहीं है, नेचुरल ही कलर है। तो जो सो चेंज हुआ है गैस देखिए कैसे, मतलब कि कलर चेंज हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है गैस। तो बहुत ही जल्दी डिश बनने वाला है, अब त्यौहार में भी आप बना के खा सकते हैं, अभी शिवरात्रि है तो आप भी इस तरह से बना करके खाइए, बहुत ही जल्दी बनती है और इसको आप त्यौहार में खा सकते हैं। है तो अब हम इसमें इलायची जो है हम इसमें कूट कूट के जो रखे थे इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, चुटकी भर इलायची 2-4 जो भी है, अच्छे से ये सब हम फ्लेवर इसमें जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। इसे बढ़िया से हम चला लेंगे, ये सुंदर डिश के लिए आप लोग सुंदर सुंदर कमेंट करेंगे गाइस और पूरा वीडियो देखेंगे। तो बहुत ही जल्दी ये बन गया, देख सकते हैं, बस इसको जितना भी टाइम लगता गाजर को घसने में, तो देख सकते कैसे खलबल खलबल हो रहा गाइस।
गाजर का हलवा, जल्दी से झटपट बनने वाली ये डिश है गाइस। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे गाइस, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको हमारे कोई भी हम रेसिपी डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। खुशबू आ रहा गाइस, इतना सुंदर लग रहा देखने में। ये हो चुका गाइस, अब इसमें जाएगा, हमने रबड़ी बना के रखा जो कि अब ये जाएगा इसमें रबड़ी गाइस, तब इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया गाइस, ये सारी रबड़ी इसमें जाएगी गाइस। तो गाइस ये हमारा डिलीशियस रेसिपी बन करके रेडी हो चुका, कैसा लगा कमेंट करके आप बताएंगे जरूर। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ आपको, तो गाइस ये देखिए ये रहा हमारा हलवा गाइस, देखिए कैसा लगा गर्मा गर्म। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।